કચ્છ જિલ્લાના પનોતા પુત્ર સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલની 74મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અંકલેશ્વર પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે જરૂરિયાતમંદ પરિવારની મહિલાઓને સાડી તેમજ વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલ કિટનું અહેમદભાઈ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ અને પુત્રી મુમતાઝ પટેલના હસ્તે વિતરણ કરાયું। કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અને ભરૂચ જિલ્લાના પનોતા પુત્ર સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલની 74મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે તેમની સ્મૃતિ અર્થે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। અંકલેશ્વર પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ અને પુત્રી મુમતાઝ પટેલ પબ્લિક સ્કૂલના ટ્રસ્ટ પ્રમુખ નાઝુ ફટવાલા સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં જરૂરિયાતમંદ પરિવારની મહિલાઓને ડ્રેસ મટીરિયલ, વિદ્યાર્થીઓને યુનિફોર્મ, નોટબુક, ડાયરા તેમજ સ્કૂલ બેગનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે નોટબુક, ડાયરા અને સ્કૂલ બેગ પર સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલની તસવીરે સૌને આકર્ષિત કર્યા હતા। સમાજમાં શિક્ષણનું સ્થાન ખૂબ ઉચ્ચ છે, ત્યારે સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલની યાદમાં જે શિક્ષણમાં ઉપયોગી થાય એવી વસ્તુનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે તે પ્રશંસાને પાત્ર છે। આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ અને જરૂરિયાતમંદ મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહી સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી હતી। नाजुक है के बहुत अच्छे संस्थान एजुकेशन के पहली दफा मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे पिताजी लेख अहमदेव जी चाहते थे कि अंकलेश्वर और भरूच डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी शिक्षा की सेवा हो और नाजुक भाई ने ये कर दिखाया है। हमारे अंकलेश्वर सिटी में हमारा नाजुक भाई के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, घर का संबंध है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग नाजुक भाई का सपोर्ट करें और इस स्कूल को और स्कूल के ट्रस्टीज को और आगे ले जाए। मेरी बहन मुमताज और मैं चाहते हैं कि भरूच डिस्ट्रिक्ट में जैसे मेरे पापा काम करते आए हैं हम भी काम करते रहेंगे और सभी नागरिकों का और बच्चों का और लोगों का ज्यादा डेवलपमेंट और अच्छी तरह से उनका प्रोग्रेस हो जाए। धन्यवाद। जैसे आपकी 74वीं जन्म जयंती है, हम लोग यहाँ भी इसी कैंपस में इसी ग्राउंड में 3 साल से इसी तरह से जन्म जयंती के मौके पे इकट्ठा होते हैं और 2 साल हमारी बहन आई थी मुमताज बहन और इस साल हमारे बीच हमारे भाई फैजल भाई भी उपस्थित हुए। अहमद भाई के लिए कहने जाए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, पर कुछ शब्दों में जो बात की जाए तो मैं कहूंगा नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है कि साकी गीतों को थाम ले, मजा तो तब है कि साकी गीतों को थाम ले। अहमद भाई पटेल ऐसी शख्सियत थे कि जब भी जरूर होती थी तो उनका हाथ हमेशा बड़ा हुआ होता था, किसी को अपना हाथ दे के ऊपर उठाते थे, कभी जरूर हुई तो किसी के सर पे अपना हाथ रखते थे, कभी जरूर हुई तो किसी की पीठ को थपथपाते थे, कभी जरूर हुई तो उसी हाथ से किसी को खींच के अपने गले लगाते थे। वैसे हमारे प्रिय नेता की जो बात थी तो मैं यहाँ कहूंगा फैजल भाई मुमताज बहन के साथ की करनी और करनी एक थी, साथ जो बोलते थे वही करते थे, यानी बहुत कम लोग होते हैं कि जिसकी करनी और गति एक होती है। तो उनमें अहमद पटेल साहब ऐसी एक शख्सियत थी, जहां से मैंने उनको देखा है, मैं बहुत करीब से उनको देखा है, तो उनकी करनी गति एक थी। साहब एक ऐसे इंसान जो जन नेता थे और जन लोगों की बात को सोचते थे, उन्होंने हमेशा जनहित की बात को प्रायोरिटी में रखा और जब भी जरूर हुई तो उन्होंने आम लोगों के तक पहुंचने के, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने इतना डेवलपमेंट किया तो वो डेवलपमेंट ऐसा किया कि आखिरी इंसान तक वो डेवलपमेंट की पहुंचे, वो अहमद पटेल साहब की एक सोच थी। पिंटू मोदी, जनसाक्षी न्यूज, अंकलेश्वर।